नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 16 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा की तारीख हुई जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जल्द ही निकाली जाएगी बहाली। अतिथि शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने पर डीईओ से जवाब तलब। सोनू सूद लगभग 1,00,000 लोगों को देंगे रोजगार। निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव को कहा बेशर्म। अब खबरें विस्तार से। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर ने निकाली रिक्तियां। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर ने सीनियर रिसर्च फेलो के कुल मिलाकर 10 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास BAMS की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 23 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.ccras.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 14 जोन में बांटकर पटना के लिए तैयार होगा डेवलपमेंट प्लान। पटना को महानगर बनाने की योजना के तहत पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया को 14 जोन में बांटकर विकसित किया जाएगा। इस संबंध में नगर विकास और आवास विभाग के निर्देशन पर पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी की तरफ से एक प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है। इसके अनुसार इन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए अलग अलग जोनल डेवलपमेंट प्लान होंगे और इस प्लान की जिम्मेदारी योग्य कंसल्टेंट को दी जाएगी। इस प्रस्ताव के तहत पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी की तरफ से IIT रुड़की को बतौर मास्टर कंसल्टेंट रखा गया। वहीं अन्य कंसल्टेंट कंपनी 17 मार्च से विभाग की वेबसाइट से प्रपोजल के कागजात को डाउनलोड कर सकती है। 8 अप्रैल तक प्रपोजल स्वीकार करने की अंतिम तारीख रखी गई है। अतिथि शिक्षकों के वेतन नहीं मिलने पर डीईओ को किया गया तलब। राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से समुचित राशि मुहैया कराने के बाद भी 22 जिलों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ा रहे हजारों अतिथि शिक्षकों को अब तक मेहनताना का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की बड़ी लापरवाही को देखते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए जवाबदेह अफसरों को आदेश दिए हैं कि अतिथि शिक्षकों के लंबित परिश्रमिक का भुगतान एक सप्ताह के अंदर किया जाए। आपको बता दें कि यह समूची राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान की है। इसके तहत इन गेस्ट शिक्षकों के 4 से 8 महीने तक का भुगतान लंबित है। सहारा इंडिया के निवेशकों के भुगतान का मुद्दा उठा सदन में। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दों को उठाया जा रहा है जिस पर वर्षों से मामला अटका हुआ है और लोग उसकी परेशानी अब तक झेल रहे हैं। इसी क्रम में बजट सत्र के 15वें दिन सदन में सहारा इंडिया के निवेशकों को भुगतान नहीं किए जाने का मामला उठाया गया। प्रश्नोत्तरकाल के दौरान भाजपा विधायक संजय सारवगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सहारा इंडिया में पैसा निवेश करने वाले निवेशकों को अवधि पूरा हो जाने के बावजूद भी सहारा इंडिया की तरफ से भुगतान नहीं किया गया है और इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसकी वजह से निवेश से जुड़े लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीते दिन भी विपक्ष ने कई मुद्दों पर घेरते हुए सदन में सत्र को हंगामेदार बना दिया। बिहार की तरफ निवेशकों की बढ़ने लगी है रुचि। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है जिसके तहत ही अब बिहार में निवेशकों का रुझान भी देखने को मिलने लगा है। खबरों की माने तो हाल ही के दिनों में बिहार में औद्योगिक निवेश होने वाला है जिसके तहत बेगूसराय जिले में 500 करोड़ की लागत से फैक्ट्री लगाने का काम शुरू किया जाने वाला है। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि पेप्सी का पहला निवेश सामने आया है जिसके तहत ही 55 एकड़ जमीन देने का काम किया गया है। इस बाबत बिहार के उद्योग मंत्री ने बीते दिन पत्रकारों से बातचीत में कहा कि फैक्ट्री लगने से और करीब 1,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। भूमि विवाद में अब चौकीदार निभा रहे हैं अहम भूमिका। बिहार में भूमि विवाद को निपटाने के लिए सरकार अब चौकीदारों की मदद लेने वाली है। चौकीदार की तरफ से दिए जा रहे सूचना के आधार पर ही हजारों ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी अब तक जानकारी थाना या किसी अन्य कोर्ट को दी ही नहीं गई थी। गौर करने की बात यह है कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जमीन विवाद मामले पर ग्रामीण चौकीदारों से इनपुट लिया जाएगा। चौकीदारों की सूचना के आधार पर हर शनिवार को थाने में CO और थानाध्यक्ष के साझा अदालत में इन मामलों को भी देखे जाने का निर्देश विभाग की तरफ से दिया गया है। चौकीदारों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्यभर में 8,082 मामले सामने आए हैं जिनमें 6,574 जमीन के मामले और 1,508 छोटे और आर्थिक अपराध के मामले दर्ज हैं। नवादा के नारद संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पूरे बिहार में पटना के बाद यह दूसरा बड़ा संग्रहालय के रूप में इंगित है जो कि नवादा शहर के नवादा चौक के पास स्थित है। यह वर्ष 1973 ईसा में नवादा के प्रथम जिला अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह के प्रयासों से अस्तित्व में आया। इस संग्रहालय में जिले के विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक दुर्लभ प्रतिमाएं सुरक्षित रखी गई है। यहां भगवान बुद्ध की कई मुद्राओं वाली प्रतिमा से लेकर भगवान विष्णु मंजूश्री गणेश आदि की प्रतिमाएं हैं। पाल काल से लेकर आधुनिक काल की कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के अलावा यहां उस जमाने की कलाकृतियां भी रखी गई हैं।
ईशान किशन की धमाकेदार पारी की खुशी में मंत्री ने किया ट्वीट। भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होकर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज करने वाले बिहार के ईशान किशन ने अपनी उपलब्धि से बिहारवासियों का मान बढ़ा दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में युवा बल्लेबाज ईशान ने अपने प्रदर्शन से धमाल मचा दिया। वहीं बिहार के लाल ईशान की इस पारी को देखकर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने उनकी तारीफ की और ट्वीट कर लिखा है कि जिया हो बिहार के लाला, धमाकेदार पारी और भारतीय टीम में एंट्री के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा बिहार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि मूल रूप से नवादा जिले के रहने वाले और झारखंड राज्य से खेलने वाले ईशान किशन ने अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में 56 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसके बाद से ही उन्हें बधाई देने वालों का ताता लग गया है। बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा की तारीख का हुआ ऐलान। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने अग्निशमन सेवा में फायरमैन की भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है। इसको लेकर परिषद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार परीक्षा का आयोजन 6 जून 2021 को होगा। आपको बता दें कि फायरमैन की 2380 वैकेंसी के लिए यह भर्ती होने वाली है। इसमें 1487 पद पुरुष और 893 पद महिला फायरमैन के लिए खाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 25 मार्च 2021 है। आपको यह भी बता दें कि 6 जून को होने वाली लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइड होगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल माने जाएंगे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष के नेताओं की लगाई क्लास। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के कार्रवाई के दौरान हर दिन काफी हंगामा देखने को मिल जाता है। इसी कड़ी में बीते दिन भी विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर से वैसा ही माहौल देखने को मिला, जिसके बाद क्या कार्रवाई के दौरान ही एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदस्यों को फटकार लगाया, जिसके तहत उन्होंने हंगामा कर रहे भाजपा नेता संजय सौरभगी को कहा कि आप बैठ जाएं, आसन का नियम सर्वोपरि है, आसन को डायरेक्शन मत दीजिए, सभी अपनी जगह पर बैठिए, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष डायरेक्शन कतई मत दीजिए, जब हमने दे दी है तो उसका पालन होगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। मुखिया चुनाव को लेकर बिहार में संकट बरकरार। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां भले ही जोर शोर से हो रही हो, लेकिन अभी भी चुनाव को लेकर देरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं इस बीच चुनाव को लेकर एक और परेशानी सामने आ गई है, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को करारा झटका लगा है। बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन की अनुपलब्धता मामले में पटना हाईकोर्ट ने अगले महीने 6 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी है। आपको बता दें कि बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन से वोटिंग कराने की तैयारी है, लेकिन मशीन उपलब्ध नहीं होने के कारण आयोग को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इसी को लेकर याचिका भी दायर की गई थी। होली से पहले बिहार सरकार ने अश्लील गानों को लेकर जारी किया आदेश। होली से पहले बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकार ने अश्लील गानों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद अब जो भी लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार की तरफ से तमाम बड़े प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है। इसके साथ ही बिहार राज्य परिवहन विभाग के कमिश्नर की तरफ से व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गाने बजाने पर रोक लगाने की बात कही गई है। कमिश्नर ने अश्लील गाने बजाने वालों के विरुद्ध कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अब वैसे वाहन का परमिट रद्द करने का आदेश जिला परिवहन अधिकारी को भी दे दिया है। बिहार के हॉकी खिलाड़ियों का छलका दर्द। बिहार में खेल व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का रुख बेहद ही उदासीन देखने को मिला है। यही कारण है कि बिहार के अलग अलग क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेल के लिए दूसरे राज्यों का मुंह देखना पड़ता है। खिलाड़ियों की बदहाली का अंदाजा आप बिहार के हॉकी खिलाड़ियों की दशा देखकर ही लगा सकते हैं। 11वीं सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप में बिहार की टीम भी इस बार खेलने पहुंची है, लेकिन इन खिलाड़ियों को स्टेडियम के अभाव में बेहतर प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला है। इसके बावजूद ये शिद्दत से खेल रही है। हालांकि अब हॉकी खिलाड़ियों ने बिहार के मुख्यमंत्री से एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनवाने के लिए आग्रह किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगी बंपर बहाली। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आने वाले दिनों में कई पदों पर बहाली होने वाली है। इसके तहत विभिन्न अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कुल 3883 पद की स्वीकृति दी गई है, जिसके तत्काल बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग में लिया जाएगा। इससे सिस्टम एनालिस्ट का 1 पद, प्रोग्रामर का 5 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड सी के 139 पद, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के 3738 पद शामिल है। इन बातों की जानकारी देते हुए विभागीय मंत्री ने बताया है कि इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। नल जल योजना में लूट को लेकर विधानसभा गेट पर विपक्ष ने किया हंगामा। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना में गड़बड़ी के मामले में एक बार फिर से बिहार विधानसभा के गेट पर बीते दिन राजद सदस्यों का हंगामा देखने को मिला, जहां पर इस योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने की मांग भी की गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले कुछ महीने से 7 निश्चय के तहत नल जल योजना के तहत ही हर घर नल का जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। योजना में स्थानीय निकाय के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है, लेकिन बार बार इस योजना को लेकर शिकायतें सामने आ रही है। इसको लेकर ही विपक्षी पार्टी ने खूब हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए।
खराब हालत में पेशी के लिए स्ट्रेचर पर पहुंचे अनंत सिंह। बाहुबली नेता अनंत सिंह की तबीयत इन दिनों काफी ज्यादा खराब बताई जा रही है। जानकारों की माने तो अनंत सिंह को अब बैठने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं अनंत सिंह की बीते दिन इसी हालत में पेशी भी करवाई गई, जिसके तहत राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एम्बुलेंस की सहायता से कोर्ट में लाया गया, जहां उन्हें पेश करने के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर ले गया गया। इतना ही नहीं, अनंत सिंह तो सुनवाई के दौरान बेहोश भी हो गए थे। निखिल मंडल ने तेजस्वी यादव को अपना खेत बेचकर शर्म खरीद कर देने की कही बात। बिहार विधानसभा में बीते दिन काफी हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान ही गन्ना विभाग से संबंधित सवाल जवाब हो रहा था। इस दौरान ही तेजस्वी ने इशारों में कहा कि ना जाने कैसे कैसे लोग मंत्री बन जाते हैं, जवाब देने नहीं आता है। इसके बाद क्या था, बवाल नए सिरे से शुरू हो गया, जिसके बाद जदयू के पार्टी प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि आदर सत्कार संस्कार बड़ों का सम्मान ये सब तेजस्वी यादव जानते ही नहीं है। तेजस्वी, आप हर विधायक को राजद का विधायक ना समझे, जो आपका तू तराक और गाली गलौज सुनने के बाद भी आपका झोला उठाए घूमता है। संस्कार बाजार में मिलता तो मैं अपना खेत बेचकर भी आपको खरीद देता, समझे बेशरम। कन्हैया कुमार समेत अन्य को मिली जमानत। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में बिहार से नाता रखने वाले और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत सभी आरोपी को पटियाला कोर्ट में बीते दिन पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराते हुए इस मामले के सात आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसके बाद अगली सुनवाई 7 अप्रैल को निर्धारित की गई है। हालांकि कन्हैया कुमार के वकील सुशील बजाज ने अपने मुवक्किल को पेशी से छूट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कन्हैया कुमार की सामाजिक जिम्मेदारियों को देखते हुए उन्हें पेशी से छूट दी जाए, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि इस अर्जी हम बाद में विचार करेंगे। आज से शुरू होगी जेईई मेंस मार्च फेज की परीक्षा। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए ली जाने वाली जेईई मेंस मार्च फेज की परीक्षा आज से शुरू है। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑनलाइन आयोजित की जाती है। इसके लिए एनटीए ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इसके तहत परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने के तय समय से 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। इस दौरान परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारी दी जाएगी। वहीं परीक्षार्थियों को मोटे सोल वाले जूते, बड़े बटन वाले कपड़े, घड़ी, काला चश्मा इत्यादि पहनकर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही कोरोना गाइडलाइन के तहत सेंटर पर मास्क और दस्ताना पहनकर जाना अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल के पहले दिन लाखों कर्मचारियों का मिला समर्थन। बीते दिन राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का पहला दिन देखने को मिला। हड़ताल के कारण ही जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसे कई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित देखने को मिली। इतना ही नहीं, इस राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी का साथ मिलने का दावा भी किया गया है, जिसके तहत 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है। आपको बता दें कि यह हड़ताल बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ है। इसको लेकर पिछले महीने ही केंद्रीय बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंक के निजीकरण की बात कही थी। आधार कार्ड को अपडेट करने का ये है आसान तरीका। आधार से जुड़ा आपका मोबाइल नंबर बदलना हो, आधार कार्ड में घर का पता बदलना हो, या फिर कुछ सुधार करना हो, या नया कार्ड ही बनवाना हो, तो इन कामों के लिए आपको ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि ये सभी काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं। आपको इसके लिए आधार केंद्रों पर जाकर लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने लोगों को यह सहूलियत दी है कि वे अपना मौजूदा पता तब भी अपडेट कर सकते हैं जब उनके पास कोई एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेज ना हो। साथ ही UIDAI के वेबसाइट पर जाकर वहां दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। वहीं इस दौरान सत्यापन के लिए आपको केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए ही आधार केंद्र पर जाना होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। अमृतसर समझौते के मुताबिक कश्मीर का आधिपत्य 1846 में जम्मू के हिंदू राजा गुलाब सिंह के अधीन कर दिया गया था। भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी आज के दिन बने थे। इंदौर के होलकर वंश प्रवर्तक मल्हार राव होलकर का 1693 में जन्म आज के दिन हुआ था। गांधी जी के अनुयायी स्वतंत्रता सेनानी पोटीट श्रीराम मुल्लू का 1901 में जन्म आज के दिन हुआ था। 1955 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार आनंद त्रिपाठी ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। जसप्रीत बुमराह ने स्पोर्ट्स एंकर संजना के साथ लिए 7 फेरे। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्पोर्ट्स एंकर संजना गणेशन के साथ शादी कर ली है। मुंबई इंडियंस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों को शादी की बधाई भी दी और साथ ही फोटो भी शेयर किया है। बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की जारी T20 इंटरनेशनल सीरीज का हिस्सा नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच से पहले ही बुमराह ने टीम से अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं संजना स्पोर्ट्स एंकर है और स्टार स्पोर्ट्स के साथ जुड़ी हुई है। संजना और बुमराह ने कुछ समय डेट करने के बाद शादी का फैसला लिया। बुमराह ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी की तस्वीर भी शेयर की है।
सोनू सूद लगभग 1 लाख लोगों को देंगे नौकरी। अभिनेता सोनू सूद जल्द ही लाखों लोगों को नौकरी देने वाले हैं, जिसके तहत अभिनेता ने हाल ही में लोगों के लिए रोजगार का ऐप लेकर हाजिर हुए हैं। सोनू ने यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है। सोनू सूद ने नई नौकरी के अवसर लिखते हुए अपना यह महत्वाकांक्षी प्लान लोगों से ट्विटर पर शेयर किया है। सोनू सूद ने इस ट्वीट में बताया कि उन्होंने 1 लाख लोगों के लिए नौकरी का इंतजाम किया है। साथ ही इस ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया कि अपने इस काम के जरिए वो अगले 5 साल के अंदर करीब 10 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 15 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 43,840 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,840 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,400 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो वो 93.52 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 86.52 रुपए प्रति लीटर दर्ज किया गया। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोहराब अली, रूपाली सिंह, सोनू साहिब, संजय कुमार भारती, जुगेश कुमार, ओमकार सिंह, बलिंदर कुमार, फैयाज अहमद, विकी कुमार, विजय कुमार, उपेंद्र रजक, असलम राज, ऋतु कुमारी, रजनीकांत पांडे। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए आज इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे T20 मैच में किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।